चैनल वाटर फूडी गर्ल, आई एम दिशा। एंड दादर में अब एक छोटा सा स्टॉल शुरू हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर इनके पास है ना बहुत सारी चीजें मिलती है। ओके, मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं हम लोग क्या खा रहे हैं, बट नहीं ठीक है बता देती हूँ, ठीक है बता देती हूँ क्या खा रहे हैं। ओके, हम खाएंगे कीमा विथ कुलचा। ओके, चिकन कीमा विथ कुलचा, फिर एग घोटाला एंड मोर। ओके ठीक है, अभी इनके सेटअप चालू है यहाँ पर, छोटा प्यारा सा स्टॉल है। एंड लेट्स मीट अमय। हाय। सो ही इज द फाउंडर ऑफ दिस स्मॉल प्लेस कॉल्ड एज रेवास किचन। रेवास किचन नाम कहाँ से आया? आई थिंक लाइक कुछ यूनिक करना था। हाँ। तो कुछ यूनिक नहीं कुछ। ओह ओके, दिस इज द क्यूट नेम लाइक रेवास किचन। सो रेवास किचन। एंड यू हैव डन होटल मैनेजमेंट आई हर्ड? या या, एक साल के लिए कोर्स किया था, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कुछ पॉसिबल नहीं हो गया, तो उधर ही वहाँ से ड्रॉप अप किया। फिर आई डन माय ग्रेजुएशन, आई डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इट्स नाउ हियर। लवली। सो वी हैव अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइक मी। ओके, सो आई थिंक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड में जाके अच्छा सा कोई ना कोई खाने का स्टोर जो ज़रूर खुलता है, सो स्टे ट्यून, शायद मैं भी कुछ खोल दूँ। बट फॉर नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द मेन्यू। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग इज द घोटाला दैट इज देयर। जैसे मैंने आपको बताया सूरत वगैरह से है, ठीक है। सो दे हैव गॉट इट हियर, देन दे हैव चिकन कीमा मसाला विथ कुलचा विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। मतलब आप लोग कीमा पाव खाते हो, बट कीमा कुलचा समथिंग यूनिक। एंड पीने के लिए इनके पास सोल कढ़ी है। सोल कढ़ी इज अ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ड्रिंक विच इज मेड अप ऑफ कोकोनट मिल्क एज वेल एज कोकम। ओके, इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, इसमें अदरक मिर्ची वगैरह सब डाल के है ना, बहुत यम होता है। इफ यू गाइज हैवन ट्राइड सोल कढ़ी, कम हियर एंड ट्राई इट आउट। इनके पास है ना सैटरडे को हमेशा एक स्पेशल मेन्यू रहता है। सो हे काय आता? चिकन शाकोती। चिकन शाकोती है। आणि नेक्स्ट सैटरडेला तुम्ही कसं बिर्याणी वगैरह पण? यस, वी विल इम्प्लीमेंट। यू विल इम्प्लीमेंट। ओके, लवली। सी दिस गाइस, चिकन शाकोती इज अ गोवन डिश व्हिच इज यूजुअली हैड विद ब्रेड, सो बट वी विल हैव इट विद पाव बिकॉज मुंबईकर्स लव पाव। चिकन शाकोते, ठीक है, और ये इनका पाव है। सो लेट्स गिव दिस अ ट्राई, ठीक है। अरे ये चिकन कितना सॉफ्ट है, ये देखिए, लाइक मुझे तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इट इज दिस सॉफ्ट। ओके, सो लेट्स गिव दिस अ ट्राई अलोंग विद द पाव। अच्छा टेस्ट है ना इसका, कैन टेल यू, इट्स लाइक महाराष्ट्रियन चिकन, यू नो ग्रेवी जो रहता है इनका, मालवा, नॉट मालवनी एग्जैक्टली, बट इट हैज़ द कड़ा मसाला एंड एवरीथिंग। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, द चिकन इज सॉफ्ट, इट्स लाइक टेंडर सॉफ्ट, मेल्ट्स इन योर माउथ। ओके, ये आपको विथ बोन मिलेगा यहाँ पर। ओके, इट्स बेटर दैट यू हैव इट विथ पाव, इट टेस्ट अमेजिंग। ओके, इसमें जो द इट्स नॉट ओवर पावरिंग विथ लॉट ऑफ मसाला एनीथिंग, द ग्रेवी इज क्वाइट थिन, ये देखिए द ग्रेवी इज क्वाइट थिक, इट्स नॉट वेरी थिन, अगर आप देख रहे हो तो इट्स सुपर, इट्स रियली नाइस। और इसमें कांदा का टेस्ट लेके, टमेटोज का टेस्ट लेके, सब कुछ आ रहा है। यू हैव टू कम एंड ट्राई दिस आउट।
कॉस्ट इज 200 रुपीज़, ठीक है। एंड आप लोगों ने देखा पहले एग फ्राई किया था, उसके बाद उन्होंने घोटाला किया, फिर और एग डाला। सो दिस इज पीपल हु लव एग, दिस इज अ एग हेवन। ओके, चीज़ भी है, सो चीज़ लवर्स के लिए। ओके, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। मैंने कभी एग घोटाला ट्राई नहीं किया, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। द बटरी कुलचा सुपर टेस्टी अलॉन्ग विद दिस। मैं आपको ना बता दूँ कैसा लगता है। इट्स लाइक एग कीमा, ओके, विथ अ लॉट ऑफ चीज। दिस इज व्हाट द टेस्ट इज। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बता दूँ। इन्होंने है ना वो बॉइल्ड एग को है ना पूरी तरह से ग्रेट किया था, तो उसका जो क्रीमीनेस है ना दैट द एग वाइट एंड द योक हैज वो पूरा मिक्स हो गया है। That's why it's called as egg gotala. This is superb. Really tasty. Masalas वगैरह इतना उभर के टेस्ट आ रहा है ना, सबका एक साथ आ रहा है। एंड इट्स वेरी क्रीमी, टू गुड। बहुत मस्त है, क्रीमी टेक्स्चर और एग लोडेड। मेरे को एग्स बहुत पसंद है, और कम्प्लीटली लोडेड विद एग्स, अमेजिंग टेस्ट। और ये कुलचे के साथ, कुलचा तो एकदम ज़बरदस्त है, सॉफ्ट है, एकदम रफ नहीं है। बटरी कुलचा सॉफ्ट है, देखो कितना सॉफ्ट है, देखो सुपर सॉफ्ट कुलचा। टन्स ऑफ एग्स, क्रीमी जूसी एग्स, प्रोटीन फिल्ड है, लाइक यू नो जिम वाले प्रोटीन, कैल्शियम फिल्ड, अमेजिंग टेस्ट, यू शुड ट्राई दिस। सो ये है सोल कढ़ी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सो मराठी लोग का ना महती है सोल कढ़ी का है, बट फॉर पीपल हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू, दिस इज अ बेसिकली कोकोनट बेस्ड ड्रिंक अलॉन्ग विथ कोकम, अदरक, फिर इसमें मिर्ची वगैरह एकदम खींच के डालते हैं, दैट इज़ यू नो क्रश करके इसके अंदर डालते हैं। दिस ड्रिंक इज रियली गुड, इट हैज़ अ टन्स ऑफ बेनिफिट्स टू योर बॉडी एंड आई पर्सनली लव इट। एंड ये एकदम स्पाइसी रहता है, आप कम स्पाइसी बोल सकते हो, बट पर्सनली आई लाइक इट अ लिटिल स्पाइसी, वैसे लगना चाहिए इधर। This is to die for. मुंबई के गलियों में अगर आपको सोल कढ़ी मिलती है ना, दिस बीट्स नींबू पानी एनी टाइम, ट्रस्ट यू। टेक्स अवे योर सोल। यस, खूब मस्त है सोल कढ़ी। इट टेक्स अवे योर सोल लाइक द फ्लैश लाइट मैन सेड बिहाइंड। सॉरी फॉर द क्लैरिटी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा लाइट नहीं है, दैट्स द ओनली रीजन। हाँ, थोड़ा नहीं, कुछ भी लाइट नहीं। अच्छा, हाँ लाइट नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर आएगा वीडियो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर व्यू। सो नाउ द नेक्स्ट फूड दैट वी आर गोना हैव इज कीमा। आप देख रहे हो कीमा का प्रिपरेशन हो रहा है, देखिए दिस इज कॉल्ड भुना हुआ, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज भुना, जिसमें बेसिकली कांदा को पूरी तरह से भुना जाता है इन ऑयल, एंड एक बार ये रेडी होने के बाद फटाफट हमारा कीमा बन जाएगा। तो ये है कीमा कुलचा। आप लोगों ने कीमा पाव वगैरह खाया रहेगा, इट इज़ वेरी सिमिलर, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है, दिया बटरली कुलचा, ठीक है। एंड ये है कीमा, ठीक है, ये देखिए नीचे। एंड अब ये देखिए ऑयल प्रॉपर वाला है एकदम। अगर आप लोगों को उसकी मेकिंग देखनी है ना, तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर ये ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ओवर देयर, सो यहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं अब यहाँ पे टेस्टिंग बताऊँगी कि कैसा है, ठीक है। ओके, लेट्स गिव दिस अ ट्राई। ओह वाओ, बाय फार दिस इज द बेस्ट कीमा आई हैव एवर हैड। सो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कीमा इन ईरानी कैफेज, पारसी कैफे, बट दिस इज बाय फार द बेस्ट आई हैव हैड। इट्स लाइक इट्स स्पाइसी, इट्स यम, चिकन जैसे आपके टंग पे टेस्ट करता है ना, यू कैन जस्ट फील द बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। मतलब मैं जिस तरह से बता रही हूँ ना, आप वो ही समझ सकते हो कि इतना यम है। टू कॉम्प्लीमेंट दिस, ओके, टू डाइजेस्ट दिस स्पाइसी थिंग, यू रिक्वायर सोल कढ़ी, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है और ये मैंने सेव किया है। एक्चुअली दिस इज माई थर्ड नहीं रे कप नहीं वो थैली हाँ थर्ड कप एक्चुअली थर्ड पैग नहीं थर्ड कप ओके
सो आप लोग समझ गए होंगे दिस इज टू गुड. चिकन इज परफेक्टली कुक्ड, इट्स टू गुड. और ये कुलचा के साथ है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आप लोगों ने खीमा चपाती के साथ, राइस के साथ या फिर पाव के साथ खाया रहेगा, एक बार यहाँ पर आके कुलचा के साथ ट्राई करो. ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ताकि यहाँ पे आपको पता चले. इंस्टाग्राम पे यार आई एम रीचिंग 60,000, यहाँ पे आई एम रीचिंग 1500. कम ऑन यार, सब्सक्राइब करो, इट्स फ्री. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय. तूने तेरे चिन को भी ऐसा खिला दिया, इधर भी थोड़ा एक लगा है. okay. और नीचे घर जाके पता लगना चाहिए ना खाते आया.